नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपेल आईफोन 12 फ़ोन के बारे में। तो इस साल आपको अपेल आईफोन 12 लॉन्च हो सकता है एंड कुछ दिन के बाद अपेल आईफोन 12 का एक इवेंट है, लॉन्च इवेंट। तो उस लॉन्च इवेंट के अंदर आपको अपेल आईफोन 12 का 3 फ़ोन लॉन्च हो सकता है। जो पहला फ़ोन होगा वो है अपेल आईफोन 12, दूसरा अपेल आईफोन 12 प्रो एंड तीसरा अपेल आईफोन 12 प्रो मैक्स, जो कि अपेल आईफोन 11 का अपडेटेड वर्जन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे अपेल आईफोन 12 स्पेसिफिकेशन के बारे में। ऐसा कुछ लीक्स आ रहा है कि जैसे कि जो प्रीवियस वर्जन था अपेल आईफोन 11, उससे भी कम कीमत के अंदर इस अपेल आईफोन 12 लॉन्च हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो के अंदर मैं उसका स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.1 इंच का 3D टच स्क्रीन, जो कि एक OLED डिस्प्ले होगा एंड उसके रिजोल्यूशन होगा आपको 1125x2436 पिक्सल, जो कि आपको पता है कि उसका डिस्प्ले बहुत अच्छे होने वाला है क्योंकि वो स्क्रीन OLED है, जो सुपर AMOLED से भी ज़्यादा अच्छी है एंड उसका कंट्रास्ट रेशियो एंड कलर वाइब्रेशन आपको बहुत ही अच्छे देखने मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको एप्पल का लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही पावरफुल है सभी प्रोसेसर से। एंड इसमें जो इस प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड होगा वो है 2.65 GHz एंड ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। ये 12 हेक्साकोर प्रोसेसर था एंड ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है एंड इसमें आपको अप टू 6 GB रैम सपोर्ट लेगा एंड 64 GB स्टोरेज के साथ आ जाएगा। आपको पता है कि अपेल आईफोन के अंदर कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन का बैटरी बैकअप के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 3120 mAh बैटरी एंड इसमें आपको टाइप सी कनेक्टर एंड ये सपोर्ट करेगा वायरलेस चार्जिंग एंड फास्ट चार्ज इसमें आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड 3000 mAh एनफ है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि अपेल का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो एकदम बैटरी को प्रॉपरली ठीक ठाक यूज कर लेगा। एंड्रॉयड फ़ोन 4000 जितना होगा, अपेल का 3000 बैटरी लगभग इक्वल काम करेगा, बिकॉज अपेल का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो 3000 चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन की कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको पीछे की साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जैसे कि अपेल 11 प्रो मैक्स की जैसा। इसमें आपको 12 कैमरा 12 MP का मिलेगा, जो पहला होगा वो है मेन कैमरा, दूसरा होगा टेलीफोटो लेंस एंड तीसरा होगा अल्ट्रा वाइड एंगल। एंड आगे की साइड आपको एक सिंगल कैमरा 12 MP का मिलेगा एक नॉच डिजाइन के साथ। तो आपको पता है कि अपेल का कैमरा कितना ज़्यादा अच्छा है, और क्या आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों अभी बात करते हैं फ़ोन का सेंसर एंड डिजाइन के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको सभी तरह का सेंसर मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई हॉटस्पॉट सभी कुछ। एंड इसमें आपको मिलेगा डस्ट प्रूफ का प्रोटेक्शन एंड इसमें आपको IP68 रेटिंग मिलेगा, जो कि पानी के नीचे 4 मीटर डेप्थ के अंदर आपको 30 मिनट तक ये सर्वाइव कर लेगा ये फ़ोन, जो भी ठीक ठाक है बजट के अंदर। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, पहला एक नैनो सिम एंड दूसरा होगा eSIM, तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फ़ोन का सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको एक 3D फेस अनलॉक मिल जाएगा एक साइड एंड उसके साथ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा ऑन स्क्रीन। एंड आपको पता है कि अपेल का जो फिंगरप्रिंट एंड जो आता है फेस अनलॉक वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है दैन एंड्रॉयड फ़ोन, तो सिक्योरिटी के मामले में बेस्ट है अपेल फ़ोन। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फ़ोन की कलर वेरिएंट के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 3 कलर वेरिएंट ऑप्शन मिलेगा। जो पहला कलर वेरिएंट होगा वो है गोल्ड, दूसरा होगा सिल्वर एंड तीसरा होगा स्पेस ग्रे। इस 3 कलर में ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों फाइनल बात करते हैं फ़ोन का प्राइस बारे में। तो फ़ोन का सभी फ़ोन का मेन है प्राइस।
यदि प्राइस हाई होगा तो कोई नहीं देखेगा, पूछेगा उसको, एंड यदि ठीक ठाक प्राइस के अंदर आ जाते हैं तो सभी लोग उसको रेफर करेगा। तो इस फ़ोन का प्राइस होगा जो बेस वेरियंट 464 उसका प्राइस होगा 749990, मतलब लगभग 75,000 का। एंड ये फ़ोन इस महीने के अंदर लास्ट में या फिर अगले महीने का लास्ट में लॉन्च हो सकता है, तो देखते हैं कभी फ़ोन लॉन्च होगा एंड उसका प्राइस कितना जाता है कंपनी के तरफ से। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी इस एप्पल आईफोन का वेबसाइट का, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं एंड और डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे, तो अच्छा लगे तो लाइक कर दो एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल में दबा देना ताकि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।